हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यार आना यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डीएचटी सेंसर और अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज करके उसके सारे डाटास को फायरबेस में भेज के अपना एक वेब एप्लीकेशन कैसे बनाएंगे। वेब एप्लीकेशन का मतलब ये कि एक वेबसाइट के थ्रू रहेगा जिसमें हम HTML, CSS और JavaScript का यूज करके उस कोड को बनाएंगे और उसमें सारा कुछ सर्कल में दिखता रहेगा कि हमारा कितना परसेंट ह्यूमिडिटी है और कितना परसेंट टेम्परेचर है और क्या कितना सेंटीमीटर हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर जो हमारा रहेगा, मतलब कि कितना डिस्टेंस होता है, वो सारी कितना सेंटीमीटर डिस्टेंस है हमारा, सारी चीजें वहां पे दिखेंगी। तो बेसिकली इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, ये काफी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है आप लोगों के लिए। इस टाइप का वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप लोगों ने याराना यूट्यूब ग्रुप को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए अपना इसको कॉन्फ़िगरेशन करना सीखते हैं और कोड कैसे अपलोड करना, बहुत सारी चीजें सीखना है। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूँ। और चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे कोड को समझ लेते हैं, जो हमारा कोड है उसको हमने कैसे यहाँ पे रन की कराया है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने कुछ लाइब्रेरीज को ले लिया, वाईफाई और ये फायरबेस की लाइब्रेरी और DHT सेंसर के लिए एक लाइब्रेरी का यूज़ किया है हमने। एंड फायरबेस का कुछ क्रेडेंशियल यहाँ पे हमने डाल दिया और वाईफाई के क्रेडेंशियल को यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे सारे पिन मोड्स को यहाँ पे डिफाइन कर दिया हमने, जो हमने पिन मोड्स को डिफाइन करना था। एंड यहाँ पे सारे पिन्स को यहाँ पे जो पिन होते हैं किस टाइप के हमको पिन को यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन कर दिया हमने। एंड यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन होती है, जैसे कि डिस्टेंस मेजरिंग करने के लिए कैलकुलेशन होती है, वो सारी कैलकुलेशन को यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया है। एंड यहाँ पे हमने एक सेटअप बनाया है एंड सेटअप में हमने एक सीरियल बिगिन स्टार्ट किया है और यहाँ पे वाईफाई और जो हमारा SSID और वाईफाई का पासवर्ड होता है उसको कनेक्ट कराया है। एंड जैसे ही हमारा कनेक्ट हो जाता है एंड वाइल लूप में चेक करना रहता है कि हमारा वाईफाई कनेक्टेड है कि नहीं है। एंड यहाँ पे सारे पिन मोड्स को हमने आउटपुट दिया है, मतलब कि जो हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर है और हमारा इको पिन जो ट्रिगर पिन है, ये सारे पिन्स को हमने आउटपुट और इनपुट दिया है। एंड जो हमारा पिन बजर है, मतलब कि जो बजर पिन को हम इनपुट दे रहे हैं, मतलब कि आउटपुट दे रहे हैं, जैसे कि हमने बजर का यूज़ किया है, जैसे अगर हमारा क्या बोलते हैं कि 50 मतलब कि 50% से ऊपर हमारा जो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर जाएगा तो हमारा बजर जो हैगा वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। एंड यहाँ पे IP एड्रेस को भी शो करा दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, फायरबेस को जो हमारा फायरबेस का होस्ट और अथेंटिकेशन, मतलब कि जो हमारा फायरबेस का URL और अथेंटिकेशन की होता है उसको यहाँ पे इसको मतलब कि कनेक्ट कराया है। एंड जैसे ही हमारा कनेक्शन सक्सेसफुली हो जाता है एंड गाइज यहाँ पे हमने ट्रिगर अल्ट्रासोनिक सेंसर, मतलब कि अल्ट्रासोनिक सेंसर के साथ यहाँ पे ट्रिगर किया, मतलब कि 2 मिली सेकेंड और यहाँ पे 10 मिली सेकेंड के साथ। एंड उसके बाद यहाँ पे फ्लोट, हमने फ्लोट वैल्यू लिया है अल्ट्रासोनिक को हाई करने के लिए पल्स इन। और उसके बाद यहाँ पे फ्लोट डिस्टेंस, मतलब कि कुछ कैलकुलेशन करना होता है, यहाँ पे कैलकुलेशन करके हमने जो डिस्टेंस, मतलब कि जो रियल डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को यहाँ पे शो कराया गया है। एंड रिटर्न में हमने डिस्टेंस को पास कर दिया, जो हमारा मतलब कि जो हमारा रियल वैल्यू आएगा रिटर्न हमने यहाँ इसके साथ कर दिया। सो गाइस यहाँ पे हमने सारे सेंसर्स के डाटा को यहाँ पे एवरी 2 सेकेंड, मतलब कि यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है, मतलब कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, मतलब कि दोनों को एक ही, मतलब कि हर 2 सेकेंड पे यहाँ पे हम इस वैल्यू को भेज रहे हैं अपने फायरबेस के साथ। यहाँ पे देख सकते हैं फायरबेस सेट इंट, मतलब कि जो हम वैल्यू को फायरबेस के वैल्यू को सेट इंट, मतलब कि इंट इंटीजर वैल्यू में इस वैल्यू को यहाँ पे सेट कर दे रहे हैं। एंड यहाँ पे सीरियल प्रिंट भी हम करवा दे रहे हैं चेक करने के लिए कि हमारा जो रियल वैल्यू है वो सही है कि नहीं है। एंड यहाँ पे हमने क्या किया है, उसके बाद यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर, मतलब कि अगर हमारा जो टेम्परेचर होता है वो 25, मतलब कि टेम्परेचर 25 से ज़्यादा जाता है। एंड गाइज यहाँ पे हमने एक क्लास बनाया है एक्टिव बजर के नाम से, इस क्लास को यहाँ पे एक्टिव कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे करंट मिलीसेकंड, फिर से हम अल्ट्रासोनिक सेंसर को अलग से यहाँ पे, मतलब कि इसके डाटा को भेज रहे हैं, क्योंकि हम साथ में सारे डाटाज को भेजते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है और कभी कभी सारे डाटाज यहाँ पे नहीं जा पाते, तो इसलिए हम इसका एक अलग से अल्ट्रासोनिक सेंसर को अलग से हर 2 सेकंड, मतलब हर 1 सेकंड पे इसको भेज रहे हैं। एंड गाइज ये लास्ट में जो हमने एक्टिव बजर का जो हमने ऑन किया है, डिजिटल पिन राइट को हाई कर दिया एंड उसके बाद लो कर दिया, मतलब कि इसको पिन मोड दे दिया है और उसके बाद यहाँ पे हाई 1 सेकंड के लिए, मतलब कि 1 सेकंड के लिए ऑन ऑफ कर दिया है। तो क्योंकि हमारा जो बजर रहेगा 1 ही सेकंड के लिए ऑन होगा अगर हमारा 25 टेम्परेचर से ऊपर जाता है। तो चलिए अभी हमारा इसका सारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया, मतलब कि हमारा जो कोड था वो सारी चीज़ें हमने इसको समझ लिया है। अब हमको क्या करना होगा कि हम जो हमारा फायरबेस का क्रेडेंशियल होता है वो सारी चीज़ें हमको कहाँ से मिलेंगी। तो बेसिकली अभी हम सबसे पहले यहाँ पे कोड को अपलोड करना है, यहाँ पे अपने कोड को सिलेक्ट कर देना है एंड कोड को सिलेक्ट करते ही यहाँ पे कोड पे अपलोड कर देना है। तो हमारा कोड अपलोड हो रहा है, तब तक हम यहाँ पे फायरबेस को क्रेडेंशियल के साथ कनेक्टेड कर लेते हैं। तो फायरबेस
सो गाइज यहाँ पे फायरबेस पे आने के बाद गो टू कंसोल पे क्लिक कर देना है। एंड गाइज हमने पहले से ही बना के सारे कई सारे प्रोजेक्ट्स रखे हैं, तो यहाँ पे हमने जिस प्रोजेक्ट को यूज़ किया है वहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि आपको अपना जो डाटाबेस जो फायरबेस URL होता है और API की होता है वो कहाँ से मिलेगा आप लोग ले सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे आपको रियल टाइम डाटाबेस में आ जाना है। वैसे मैंने काफ़ी सारे फायरबेस पे वीडियोस बनाए हैं, अगर आप लोगों ने उन सारी वीडियोस को नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। एंड गाइज यहाँ पे हमने जो फायरबेस का URL है इस URL को हमको कॉपी करना है, एंड यहाँ पे कॉपी करने के बाद हमको किस टाइप से पेस्ट करना है यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सो गाइज यहाँ पे जो हमारा एंड्रॉयड स्टेटस है इसको पूरा यहाँ पे पेस्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे लास्ट जो स्लैश लगा है इसको हटा देना है। एंड गाइज यहाँ पे अभी हमने URL को तो ले लिया, उसके बाद हमको API की कहाँ पे मिलेगी यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटिंग में आ जाना है। एंड गाइज यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे वेब API की आप लोगों को शो हो जाएगा, इस वेब API की का यहाँ पे कॉपी कर लेना है। एंड कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे इसके साथ रिप्लेस कर देना, बाकी वाईफाई और SSID जो और पासवर्ड है वो सारा चीज आप तो कर ही सकते हैं। एंड गाइज अभी हम चलते हैं जो हमारा वेब सर्वर है, वेब सर्वर पे HTML CSS की डिजाइन से हम लोग कैसे उसको यहाँ पे डाटास को फेस कर रहे हैं अपने फायरबेस डाटाबेस से, तो सारी चीज़ें इसको समझते हैं। सो बेसिकली अभी हमने क्या किया है यहाँ पे सारा चीज़ कोड, मतलब कोड तो आपको मिल जाएगा, अगर आप लोग इसका कोडिंग सीखना चाहते हैं तो हमारा एक चैनल है कोड विथ याराना के नाम से, उस पर मैं कंप्लीट ट्यूटोरियल लेके आऊँगा और यहाँ पे थोड़ा बहुत समझा दे रहा हूँ कि आप लोग इसको कैसे यूज कर सकते हैं और इसमें हमने क्या क्या यूज़ किया है। एंड गाइज यहाँ पे हमने कुछ डिज़ाइन बनाया है, मैं आप लोगों को डिजाइन ओपन करके दिखा देता हूँ। सो गाइज यहाँ पे हमने जो डिजाइन बनाया है यहाँ पे एक टेक्स्ट ले लिया है रियल टाइम मॉनिटर DHT सेंसर, उसके बाद यहाँ पे हमने एक सर्कल ले लिया है, यहाँ पे कई तीन सर्कल से हमने यूज़ किया है, एक ह्यूमिडिटी के लिए, एक टेम्परेचर के लिए, एक डिस्टेंस के लिए, और यहाँ पे एक छोटा सा हमने यहाँ पे सब्सक्राइब के लिए डाल दिया है। एंड गाइज यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि जो हमने क्या क्या किया है यहाँ पे जो फायरबेस का डाटाबेस लेना है उसके लिए हमने क्या यूज़ किया है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने यूज़ किया है फायरबेस का कॉन्फिग फाइल, इस कॉन्फिग फाइल को अगर आप लेना चाहते हैं तो फायरबेस में आपको मिल जाएगा, यहाँ पे फायरबेस के ऑप्शन पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे वेब पे क्लिक करना है, आपको एक ऐड ऐप पे क्लिक करना है, उसके बाद वेब ऐप पे बना लेना है। एंड गाइस वेब ऐप बनाने के बाद आपको यहाँ पे ये नीचे आप लोगों को ये सारी कॉन्फिग फाइल मिल जाएगी, यहाँ पे देख सकते हैं। इस सारी कॉन्फिग फाइल को लेने के बाद आपको यहाँ पे कॉपी करना है, एंड कॉपी करने के बाद अपने फायर इसके साथ रिप्लेस कर देना है। एंड गाइस रिप्लेस करने के बाद मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, रिप्लेस करने के बाद अभी हमने क्या किया है यहाँ पे सारे वैल्यूज़ को फेस कराया, एंड फेस कराने के बाद अपने सारे जो टेक्स्ट व्यू हैं और सर्कल है उसके साथ यहाँ पे कनेक्शन कर दिया है कम्प्लीट। की फ्रेम का यूज़ किया है CSS में, यहाँ पे CSS की डिज़ाइन हमने यहाँ पे बनाई है, और आप लोग इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल मैं अपने कोड विथ याराना पे आऊँगा तो लेके आऊँगा, तो वहाँ पे देख लेना और आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझा दूँगा। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर इसका भी कोड मैं समझाना शुरू कर दूँगा तो ये कोड आप लोगों को मिल जाएगा, अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पे नीचे यहाँ पे हमारी वेबसाइट पे आ जाना है आप लोगों को, सिंपली सर्च करना है याराना IoT गुरु। सो उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट रैंक पे हमारे मतलब जो हमारे पहले नंबर पे ये वेबसाइट मिल जाएगी याराना IoT गुरु के नाम से, इस पर क्लिक करके आप लोगों को क्या करना है। सो गाइस जैसे ही आप लोग वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, मतलब कि आप लोगों को और भी प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, अगर आप लोग उस टाइप से प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। एंड गाइस यहाँ पे आप लोगों को कोड मिल जाएगा, यहाँ से आप लोग कोड को ले सकते हैं, एंड लेने के बाद आप अपना इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे जैसे हमने वीडियोज में बताया सारी चीज़ें आप लोग वहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए अभी इसका हम कनेक्शन देख लेते हैं कि कैसे क्या कुछ कनेक्शन करना है, क्या कुछ सर्किट डायग्राम रहेगा, सारी चीज़ें इसको समझते हैं और टेस्टिंग भी कंप्लीट कर ही लेते हैं। सो गाइस चलिए मैं आप लोगों को कनेक्शन दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने बजर का यूज़ किया है, उसके बाद यहाँ पे अल्ट्रासोनिक सेंसर अपना लगा दिया, उसके बाद DHT सेंसर लगा दिया, और यहाँ पे जो हमने ESP32 टाइप सी वाला यूज़ किया है, अगर आप लोग इस ESP32 को लेना चाहते हैं तो technolabelectronics.com इस वेबसाइट पे जाके आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं, और वहाँ पे काफ़ी चीपेस्ट प्राइस में आप लोगों को ESP32 टाइप सी वाला मिल जाएगा, ये मैन्युफैक्चर बाय टेक्नोलैब इलेक्ट्रॉनिक्स का ही है। और अगर आप लोग कनेक्शन करना चाहते हैं, सर्किट डायग्राम आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, वीडियो को पॉज करके आप लोग कनेक्शन अपना सक्सेसफुली कर सकते हैं। और बेसिकली मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ कि कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स ये आती है कि यहाँ पे जो हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर और DHT सेंसर और यहाँ पे हमने साउंड जो बजर है उसको लगाया है, उसको लगाने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होती है कि जो हमारा 3.3 वोल्ट जो हमारा ESP32 होता है वो प्रोवाइड करता है, तो कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाती है कि ये नहीं चलता। लेकिन जो हमारा ESP32 ये वाला है टाइप सी वाला, इसमें 5 वोल्ट का आउटपुट मिलता है, तो इस वजह से हमारी सारी चीज़ें अच्छे से चल जा रही हैं।
सो आई होप आप लोगों को सर्किट डायग्राम समझ में आ गया होगा, और आप लोग वीडियो को पॉज करके, अभी तक आप लोगों ने कनेक्शन नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग सारा चीज़ें कनेक्शन कर लीजिए और आपका भी ऐसे ही सारी चीज़ें चलेंगी। तो चलिए इसका टेस्टिंग कर लेते हैं कि हमारा क्या चीज़ें कैसे काम करती हैं सारी चीज़ों के बारे में। सो गाइज अभी हम इसका टेस्टिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ह्यूमिडिटी दिख रहा है वो 53% और टेम्परेचर जो है वो 19 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है और डिस्टेंस जो हमारा 39 सेंटीमीटर दिख रहा है। तो अभी इसका हम टेस्टिंग करते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे इसको कर दिया है कि यहाँ पे अभी हम डिस्टेंस को चेक करते हैं। तो डिस्टेंस अभी 15 से हमारा कम होता है तो हमारा जो बजर है वो साउंड करेगा। सो अभी हमने डिस्टेंस को 4 सेंटीमीटर पे किया है, तो मतलब कि तो यहाँ पे हमारा जो हमारा बजर था वो अभी साउंड किया। और अभी हम इसका टेम्परेचर को भी चेक कर लेते हैं। सो गाइस अभी हम इसका टेम्परेचर को टेस्ट करते हैं। एंड यहाँ पे हमारा 23 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और अभी हमारा डिस्टेंस का भी 15 से कम हो गया तो 13 सेंटीमीटर अभी किया। और अभी हम टेम्परेचर का भी 25 करते हैं, तो लेट्स सी हमारा बजर कैसे साउंड करता है। सो गाइस जैसे ही हमारा टेम्परेचर 25 के ऊपर जाएगा वो मतलब कि जो हमारा बजर रहेगा वो साउंड करेगा। सो वेट और टेम्परेचर भी 26 अभी यहाँ पे टेम्परेचर देगा 26 सेंटीग्रेड हमारा टेम्परेचर हो गया, तो अभी हमारा जो बजर है वो साउंड किया था। एंड जो हमारा टेम्परेचर है 45 हो गया, अभी हमने टेम्परेचर 45 कर दिया। एंड लेट्स सी हमारा जो बजर था वो काफ़ी साउंड किया। अभी इसमें एक मैसेज वाला हम सिस्टम बना सकते हैं, मतलब कि अगर हमारा टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता तो हम क्या करेंगे कि एक मेल भेजवा सकते हैं या फिर कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही प्रोजेक्ट बना सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि आप लोग भी ऐसे प्रोजेक्ट बनाना चाहते थे और आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक याराना यूट्यूब ग्रुप को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ अब तक तुरंत पहुँच जाए। और अगर आप लोग और भी नए नए प्रोजेक्ट्स पर रिलेटेड वीडियोज़ चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए, या फिर कोई अगर आप लोगों का अदर टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ है या फिर कोई अदर प्रोजेक्ट है तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियोस जरूर लाऊंगा। और जीएसएम मॉड्यूल पे वीडियो नेक्स्ट वीडियो मैं कोशिश करूंगा जरूर आए जीएसएम मॉड्यूल पे। हमारे काफ़ी सारे व्यूवर्स का मानना है कि जीएसएम मॉड्यूल पे वीडियो आना चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो जीएसएम मॉड्यूल पे ही लाऊं। तो बस दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।